गाइज मेरे हिसाब से ये वाली लोकेशन ज्यादा बेस्ट रहेगी हमारे इस फार्म को बनाने के लिए। हेलो गेमर्स, वेलकम बैक एंड गाइस, आज हम दोबारा से आ चुके हैं मैजिक स्काई ब्लॉक सर्वर में। एंड गाइस आज हम बनाने वाले एक अनलिमिटेड ओर जनरेटर फार्म। एंड इसके लिए गाइस हम यूज करने वाले माइनर मिनियंस का। एंड गाइस उसके साथ आज हम कुछ आर्मर को भी ट्राई करने वाले हैं। एंड गाइस पिछले वाले वीडियो में हमने एक फार्मर वाला मिनियन बनाया था, बट काफी सारे बंदों का कमेंट आया कि भाई यार इस मिनियन को बनाना मतलब पैसा वेस्ट करने जैसा है, बिकॉज ये किसी भी काम का नहीं है यहाँ पर, एंड ये कुछ काम करता भी नहीं है। एंड गाइस ये बात भी मेरे को काफी अच्छे से पता चल चुकी है। बाकी गाइस हमारे ये दोनों मिनियन तो काफी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। एंड इन दोनों ने फिर से हमारी चेस्टों को एक बार फुल भर दिया यार। एंड अभी तुम चेक कर सकते हैं कितना सारा डायमंड हो चुका है हमारे पास। एंड गाइस हमने जो ये वाले मिनियन लगाए ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, यहाँ पर बीच में पड़े पड़े यार। सो इनको भी हटाते यहाँ से और वहीं पे लगाते यार। अभी यार इन ओर्स का यहाँ पर कोई काम नहीं बनता, इनको हटाते हैं फटाफट से। गाइस इसी रीजन से यार एक्सपी फार्म को नहीं बना पाते हम इस वाले सर्वर में, बिकॉज यहाँ पर एक्सपी अपने पास जल्दी से आती नहीं, मतलब इधर उधर घूमती रहती है यार। इसलिए गाइस यार जब भी एक्सपी की जरूरत पड़े तो माइन कर लिया करो, बिकॉज यार माइन से काफी अच्छी खासी एक्सपी मिल जाती है और काफी जल्दी भी मिल जाती है, ऐसे तुम्हारे आसपास नहीं घूमती है। एंड गाइस अभी इन मिनियन को लगाते जो हम वहाँ से लेकर आए, एक को यहाँ पे लगाते हैं इसके लिए जगह पहले से ही यहाँ पर यार, एंड एक को यहाँ पे लगा देते हैं। एंड गाइस अभी इस वाले फार्म को यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, बिकॉज यार बीच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा बीच में आता है। जब मैं थंबनेल बनाता हूँ तब भी यार बीच में आ जाता है। सो भी गाइस यार इसका एक ही सोल्यूशन, हमको इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। उससे पहले गाइस यार मेरे को यहाँ से मिनियन हटाने पड़ेंगे पहले, तभी यहाँ पर उन सबको हटा पाएंगे हम, नहीं तो गाइस बार बार मिनियन यहाँ पर और स्पॉन करते रहेंगे। एंड गाइस अभी इन और का भी कोई काम नहीं बनता, इनको हटाते यार जल्दी से यहाँ से। गाइस अभी एक्सपी को देखो कैसे मेरे आसपास घूम रही यार ये, एंड यहाँ पर ये पिंक इशू की वजह से होता है, तभी यार अपने आसपास घूमती रहती है। ऑलराइट गाइस ये वाला फार्म हमारा हट चुका है यहाँ से। एंड भैया लिटरली इनको बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन इनको हटाने में 2 मिनट का टाइम नहीं लगता है। सो ऑलराइट गाइस अभी हमारे चारों मिनियन लग चुके हैं। एंड भैया अभी आगे का काम करते हैं अपना फटाफट से। एंड सबसे पहले गाइस यार अपने पोटेटो को सेल करते हैं, मेरे हिसाब से इनकी भी इन्वेंट्री फुल हो चुकी होगी। तुम देख सकते हो यहाँ पर अपना उछल रहे पोटेटो यार, एंड ये होपर में जा भी नहीं रहे, अभी ये इतनी बढ़ चुकी है ना। अभी यहाँ पे क्लिक करते हैं एक बार, ये स्मेल्ट हो चुकी है। देन यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये भी स्मेल्ट हो गई है ना। गाइस अभी इसको सेल करते हैं फटाफट से, 1 2 3 4। नाउ गाइस अभी चलते हैं ऊपर वाले मिनियन को देख के आते हैं उनके अंदर कितना सामान हो चुका है। मेरे हिसाब से उनमें भी काफी ज्यादा सामान हो चुका होगा यार। एंड गाइस इसकी इन्वेंटरी फुल हो चुकी है यार अभी। सो निकालते हैं इनको फटाफट से 1। एंड अभी इसको भी चेक करते हैं इसके पास कितने हो चुके हैं। गाइस देखो ये तो ब्लॉक वाला था, इसके पास अभी थोड़े से कम हुए, बाकी फिर भी काफी ज्यादा ब्लॉक हो चुके हैं। मेरे को काफी कम टाइम हुआ इनको यहाँ पर लगाए हुए। गाइस मेरी इन्वेंटरी फुल हो चुकी है, फटाफट चलते हैं इनको ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद रखते हैं अपनी इन्वेंटरी में। गाइस यार 75 डायमंड के ब्लॉक बन गए यार यहाँ से तो। एंड गाइस अभी हमारा जो एमरल्ड वाला मिनियन है जिसके अंदर हमने अपना सुपर कंपैक्टर लगाया था, वो भी फुल हो चुका है अभी। एंड इसके बाद गाइस अपने को मिलने वाला है 3 एमराल्ड के स्टैक, वो भी फुल ब्लॉक के यार। नाउ गाइस इन सभी को रखते हैं फटाफट से अपनी इन्वेंटरी के अंदर। गाइस अभी के लिए इन सभी ब्लॉक को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, बिकॉज यार मेरे पास अब बिल्कुल भी जगह नहीं है अपने इनर चेस्ट में। गाइस अभी इसको क्लोज करते हैं पूरा। एंड यहाँ पर ये मैंने पहले वाटर के लिए लगाया था, लेकिन अभी इनका कोई काम नहीं है यहाँ पे। एंड गाइस मेरे को कहीं से पता चला है कि नेदर वाला आर्मर को पहनने के बाद जब हम लावा में कूदते हैं तो अपने को बिल्कुल भी डैमेज नहीं मिलता है। सो गाइस इस बात को मेरे को ट्राई करके देखना है, इसलिए आज हम बनाने वाले अपना एक नेदर वाला आर्मर। एंड इसके लिए गाइस मेरे को काफी सारे नेदर की जरूरत पड़ने वाली है। सो गाइस अभी हम जाने वाले नेदर, उससे पहले चेक करते हैं कि अपने पास रखा हुआ है पहले से ही। गाइस अभी हमारे पास एक भी नेदर का ब्लॉक नहीं है यार। एंड ऊपर से गाइस हमारा मिनियन भी ऑटो सेल पे इनेबल है, तो उसने भी कुछ भी कलेक्ट नहीं किया यार। एंड गाइस अभी एक ही सोल्यूशन निकल के आता है, अपने को चलना पड़ेगा नेदर और वहीं से माइन करके लाना पड़ेगा यार। एंड गाइस अभी हमारे पिकेक्स के ऊपर भी एफिशिएंसी 10 लगी हुई है, बट यार ये भी डैमेज हो चुकी है पूरी और ये खत्म होने वाली है। बट गाइस क्या हम इसको कमांड का यूज करके रिपेयर कर सकते हैं, ट्राई करके देखते हैं यार। तो सबसे पहले अपने को ओपन करनी अपनी चैट, देन यहाँ पे लिखनी कमांड स्लैश। नाउ गाइस अभी हमारी पिकेक्स रिपेयर हो चुकी है भाई, मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये वाली पिकेक्स रिपेयर होगी यार। एंड आई थिंक मेरे को लग रहा है गाइस हमारे पास यूट्यूब वाली रैंक है, उसी वजह से हमको ये वाली कमांड मिली है। बाकी गाइस मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना कि क्या तुम्हारे पास भी ये वाली कमांड है। ऑलराइट गाइस अभी चलते फटाफट से नेदर को एंड लेकर आते हैं वहां से नेदर एंड उनका यूज करके बनाने वाले हमारे नेदर आर्मर को। एंड गाइस मैं अभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं उस आर्मर को बनाने के लिए। नाउ गाइस अभी हम आ चुके हैं नेदर में, यहां पर मैं फ्लाई कर सकता हूं, तो मेरे को लावा में गिरने का तो डर बिल्कुल भी नहीं है। एंड यहां पर काफी सारा नेदर है यार, उठा दे इनको फटाफट से। सो गाइस मेरे को 2 मिनट फटाफट से मैं नेदर को कलेक्ट करने के बाद मिलता हूं, इन सभी को एन्चेंटमेंट भी करना पड़ेगा अपने को। एंड करते हैं फटाफट से इन सभी को माइन। ऑलरेडी आ गए सभी, मेरी इन्वेंटरी फुल हो चुकी है, तो फटाफट से करते हैं इन सभी को एन्चेंटेड यार। इसके लिए अपने को ओपन करनी अपनी कस्टम क्राफ्टिंग टेबल। ऑलरेडी गाइस एन्चेंटेड नेदर के ब्लॉक बनाने की ये रेसिपी होती है, इसको भी ध्यान से देख लेना यार। नाउ सभी को बनाते हैं फटाफट से। गाइस मेरे को 2 मिनट दो फटाफट से सारे नेदरक को माइन करने के बाद मिलता हूँ जितना भी अपने को जरूरत है। नाउ गाइस अभी फूड वाली कमांड का भी यूज करके देख ही लेते हैं यार। सो इसके लिए गाइस अपने को चैट ओपन करनी, देन यहाँ पे लिखना है स्लैश फीड, देन इंटर करते हैं इसको, क्या हम खाना फूल हो जाएगा हमारा। नाउ गाइस अभी तुम देख सकते हो यहाँ पर कि जो हमारी हड्डियां थी वो अभी खाली थी और अभी फूल हो चुकी है यार, मतलब हमारा पेट भर चुका है अभी। गाइस वाकई में यार ये कमांड काफी ज्यादा ओपी यार, इनको यूज करना चाहिए अपने को।
सोल रेडर गाइस, अभी हमारे पास जितना सामान की जरूरत उतना सामान हो चुका है, तो चलते फटाफट से अपने आइलैंड पे और बनाते यार अपना ये वाला आर्मर। सोल रेडर गाइस, मेरे पास काफी सारे आइटम्स हो चुके हैं ना, अभी चलते फटाफट से आइलैंड को और बनाते यार अपना ये वाला आर्मर। नाउ गाइस, अभी ओपन करते अपनी क्राफ्टिंग टेबल को और बनाते अपना नेदर वाला आर्मर। हर बार की तरह गाइस, सबसे पहले हम बनाएंगे अपने बूट्स। ऑल राइट गाइस, ये रेसिपी होती है हमारे नेदर वाले बूट्स को बनाने की। ये बन गया अपना पेंट, नाउ ये बन गया अपना नेदर वाला हेलमेट। एंड गाइस, फाइनली बन गई अपनी नेदर वाली चेस्ट प्लेट। गाइस, अभी फटाफट से पहन के देखते हैं इनको। गाइस देखो, ऐसे तो अपने को कोई सा इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, बट गाइस इसका एक काफी ज्यादा ओपी इफेक्ट है। हम जब लावा में इस आर्मर को पहन के जाता है तो अपने को बिल्कुल भी डैमेज नहीं मिलता है। नाउ गाइस, अभी देखो हमारे ब्रिज के नीचे काफी सारा लावा है, तो यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं इसको। तो इस ग्लास को ब्रेक करते हैं यहाँ से, देन अभी इसके अंदर कुछ जाते क्या डैमेज होगा अपने को। नाउ गाइस, अभी तुम देख सकते हो यहाँ पर मैं अंदर डूब चुका हूँ, उसके बावजूद मेरे को कुछ भी डैमेज नहीं हो रहा है। मींस गाइस, ये वाला आर्मर काफी ज्यादा ओपी, मतलब अगर तुमको नेदर वगैरह में जाना है तो इस आर्मर को जरूर से यूज करके देखना एक बार यार। उसके अलावा यहाँ पर तुमको कुछ और पावर्स भी देखने को मिल जाएगी, जिनको तुम खुद से चेक कर लेना यार। एंड गाइस, अब से मैं किसी भी आर्मर को नहीं बेचने वाला हूँ, हम सारे आर्मर्स को एक चेस्ट के अंदर रख देंगे। देन गाइस, एक दिन उसका एक बड़ा सा रूम बनाएंगे जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे आर्मर को लगाने वाला है। नाउ गाइस, अभी इस आर्मर को रखते हैं अपने इस वाले चेस्ट के अंदर, बाकी सारे आर्मर को हम यहीं पर रखने वाले हैं। गाइस देखो, अभी मेरे पास दो माइनर मिनियन रखे हुए और अपने को दो और चाहिए यहाँ पर अपने पूरे फार्म को बनाने के लिए। नाउ गाइस, अभी चलते एक्शन हाउस और वहाँ से चेक करके आते, हो सकता अपने को माइनर मिनियन थोड़े सस्ते में मिल जाए यार। एंड आई होप गाइस, अपने को यहाँ पर मिनियन मिल जाए तो काफी ज्यादा अच्छा होगा यार। गाइस देखो, यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीजें देखने को मिल जाती, बट यहाँ पर जो अपने को चाहिए वो नहीं है यार। एंड गाइस, ये क्या चीज है यार, मोबेट, ये कैसे बनता है भाई यार। गाइस, यहाँ पर माइनर मिनियन नहीं मिला अपने को यार, भाई थोड़ा सस्ता मिल जाता अच्छा रहता है, लेकिन अभी अपने को खरीदना पड़ेगा ना, अपने को पड़ेगा और 7.5 लाख में एक मिनियन। एंड गाइस, अभी अपने को दो मिनियन लेने और दोनों मिनियन को लेने में अपने को लगने वाले हैं भाई यार 14 लाख रुपए। भाई काफी ज्यादा होते हैं 14 लाख रुपए, बट गाइस कर भी क्या सकते हैं, अभी लेना ही पड़ेगा अपने को। गाइस, अभी चलते फटाफट से बैंक को, निकाल के लाते अपने पैसे यार। एंड गाइस, मेरे पास 1 लाख रुपए रखे हुए, तो मेरे को यहाँ से निकालने अभी 13 लाख रुपए। सो यहाँ से करना है मेरे को विड्रॉल मनी, विड्रॉल कस्टम पर जाना है। देन गाइस, यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं अभी 13 लाख रुपए। नाउ गाइस, अभी सबमिट करते हैं इसको। सो ऑलरेडी गाइस, मेरे पास हो चुके हैं टोटल मिला के 1.4 मिलियन। सो ओपन करते हैं अपने नेदर स्टार को। देन यहाँ से जाना अपने को शॉप मेन्यू में, देन यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए जाना अपने को थोड़ा नीचे मिनियन पर, देन यहाँ पर जाना अदर मिनियंस में। गाइस, अभी तुम देख सकते हो यहाँ पर 7.5 लाख रुपए का एक है, तो इस पर क्लिक करते हैं अभी। देन यहाँ से लेने वाला हूँ मैं अभी 2, तो यहाँ पर 2 डाल देते हैं, देन सबमिट कर देते हैं। गाइस, अभी एक छोटी सी काउंटिंग मिस्टेक हो गई यार, अपने को 15 लाख रुपए लगने वाले और मेरे पास अभी 14 लाख के आसपास ही पैसे हैं। सो 1 लाख और निकालने पड़ेंगे यार अपने को। गाइस, अब मैं 1.5 लाख रुपए निकाल रहा हूँ, जिससे अपने को जरूरत पड़ेगी तो और कुछ काम आ जाएंगे यार। यहाँ से जाना अपने को अदर मिनियंस में, देन यहाँ से जाना है माइनर वाले मिनियन में, देन यहाँ पर 2 डालना है, देन सबमिट कर देना है। ऑल राइट गाइस, इस बार मेरे को लग रहा है अपन ने खरीद लिया यार। एंड गाइस, मेरे पास 2 मिनियन आ चुके हैं यार, नीचे देख सकते हो तुम। इसके अलावा गाइस, अपने को चाहिए कुछ और जनरेटर्स। एंड गाइस देखो, मेरे पास 2 और जनरेटर तो पहले से रखे हो डायमंड के, बट गाइस देखो अपने पास एमरल्ड के नहीं है, आयरन के नहीं है और गोल्ड के नहीं है, तो तीनों एमरल्ड जनरेटर मेरे को बनाने पड़ेंगे। इसके लिए गाइस मेरे को 3-3 स्टैक चाहिए होंगे, एमरल्ड के, गोल्ड के और आयरन के। गाइस देखो, एमरल्ड का तो मेरे पास कोई दिक्कत नहीं, काफी सारे स्टैक रखे होंगे, बट अपने को आयरन वगैरह में थोड़ी दिक्कत आ सकती है यार। नाउ गाइस, अभी इनको कन्वर्ट करते हैं अपने एमरल्ड्स में। नाउ गाइस, अभी इनको लगाते हैं कस्टम क्राफ्टिंग टेबल में। गाइस, ये बन के अपना फर्स्ट वाला जनरेटर इसको उठाते हैं फटाफट से, देने को बनाते हैं। इनका देखो, आयरन और गोल्ड तो मेरे पास नहीं है, तो मेरे को उनको खरीदना पड़ेगा यार। सो खरीदते हैं फटाफट से, और जनरेटर में जाना है यहाँ से अपने को, देन यहाँ से जाना है मेरे को ब्लॉक में, यहाँ से ब्लॉक खरीदा हूँ। बट गाइस, आयरन के ब्लॉक काफी ज्यादा महंगे कर दिया यार इन्होंने। गाइस, यहाँ से अभी मैं खरीद रहा हूँ 2। गाइस यार, गोल्ड तो और भी ज्यादा महंगा है मेरे हिसाब से, अपने को ये 1 ही लेना चाहिए। देन गाइस, यहाँ से ले रहा हूँ मैं अभी 1, तो मेरे को चाहिए होंगे 64। एंड गाइस यार देखो, मैंने पहले यहाँ पर 2 ही लिए, मेरे को लगा मैं स्टेक ले रहा हूँ, लेकिन नहीं यार, मैंने सिर्फ ब्लॉक ही ले लेते सिंगल। सो यहाँ से लेना है अपने को 126 और। देन अभी सबमिट करते हैं इसको। नाउ गाइस, अभी इनको कन्वर्ट करते हैं इनगट में। नाउ दोबारा से चलते अपने कस्टम क्राफ्टिंग टेबल में। नाउ गाइस, ये बन गया अपना गोल्ड का जनरेटर। नाउ अभी बनाते फटाफट से आयरन का जनरेटर। एंड ये बन गया अपना आयरन का स्पॉनर। ऑल राइट गाइस, यार मेरे पास ऑलमोस्ट सारा सामान हो चुका है। नाउ अभी बारी आती है लोकेशन को देखने की, तो देखते हैं कौन से लोकेशन पे ज्यादा अच्छा लगेगा हमारा ये वाला फार्म। गाइस, मेरे हिसाब से ये वाली लोकेशन ज्यादा बेस्ट रहेगी हमारे इस फार्म को बनाने के लिए। गाइस, एक ब्लॉक को यहाँ पे लगाते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, देन एक वहाँ पे। गाइस, अभी इस साइड फेस करके रखते हैं अपन और लगाते हैं अपने इन मिनियंस को। सो एक को यहाँ पे लगाते हैं, ये थोड़ा साइड में लग गया आई थिंक, मेरे को ऐसा लग रहा है। नाउ अभी गाइस, एक को यहाँ पे लगाते हैं। एंड अभी इसको भी यहाँ पे लगा देते हैं यार। नाउ गाइस, अभी इन सभी मिनियन के सामने लगाते हैं अपने जनरेटर को। तो एक को यहाँ पे लगाते हैं, देन इसके ऊपर एक और लगा देते हैं, देन इसके ऊपर एक और, देन यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं एमरल्ड जनरेटर को इसके पास में, इसके ऊपर एक और, देन इसके ऊपर एक और, एंड यहाँ पे अपना गोल्ड वाला, देन वहाँ पे आएगा अपना आयरन वाला। गाइस, एक चेस्ट को यहाँ पे लगाते हैं, बड़ी वाली को, एक यहाँ पे, एंड एक को इस साइड में लगा देते हैं यहाँ पर। देन गाइस, 2 चेस्ट को मैं इसके पीछे लगा रहा हूँ जस्ट यहाँ पे, एक यहाँ पे, देन एक इसके पास में, देन गाइस एक इसके पास में, एक यहाँ पे आ जाएगी तो ये बड़ी हो जाएगी। देन यहाँ से जाना है लिंक चेस्ट में। एंड गाइस, इसके बाद में इसके पास वाली चेस्ट को लिंक कर रहा हूँ, इस पे क्लिक करते एक बार। नाउ ये लिंक हो चुकी है। नाउ गाइस, अभी इसको करते हैं यार। ऑलरेडी गाइस, अभी हमारे इन मिनियन ने काम करना भी शुरू कर दिया और हमारे चेस्ट में भी सामान आने लग गया होगा यार। इसको चेक करते हैं अभी।
देख सकते हो गाइस यहाँ पर 3 डायमंड आ चुके हैं। नाउ अभी उसको चेक करते हैं यार। गाइस यहाँ पर भी 5 एमरल्ड आ चुके हैं, मेरे हिसाब से आयरन और गोल्ड में भी आ चुके होंगे, इनको भी चेक करते हैं यार। यहाँ पर भी 2 और आ चुकी है। गाइस देखो यार, मैंने अभी तक अपने आयरन और गोल्ड वाले जनरेटर को फुल अपग्रेड नहीं किया, इसलिए वो थोड़ा सा कम प्रोडक्शन दे रहे, लेकिन जैसे अपग्रेड कर दूंगा उसके बाद काफी अच्छा प्रोडक्शन देने वाला है। गाइस देखो यार, मैंने अभी अभी नोटिस किया यहाँ पर कि मैंने अपने इन 3 मिनियन को अपग्रेड नहीं किया और अपने एमरल्ड वाले को अपग्रेड कर रखा है, तो उसकी वजह से गाइस देखो यार इस वाले मिनियन को चेक करो तुम अभी, यहाँ पर हो चुके 28 एमरल्ड्स भाई। बाकी सब में तुम चेक करो, यहाँ पर काफी कम है, मतलब इसके पास 7 ही हुई है अभी। तो मेरे हिसाब से इन सभी को अपग्रेड करते हैं यार फटाफट से, इन काफी कम पैसे लगते हैं इनको अपग्रेड करने में यार। तो अपग्रेड के लिए अपने को यहाँ पर क्लिक करना है 2-3 बार, 1 बार करेंगे, देन एक बार और क्लिक करते हैं, ये 3rd लेवल का हो गया, देन एक बार और। ऑलराइट गाइस ये 5 लेवल तक हो चुका है, अगर अभी और करूंगा तो ये नहीं होने वाला है। अभी देख सकते हैं इसका मैक्सिमम लेवल हो चुका है। नाउ गाइस यार इनको भी करते यार। गाइस सर अभी तुम चेक कर सकते हो यहाँ पर कि इनके सामने और स्पॉन होते देर नहीं हो रही, और भाई ये उनको वापस से माइंड भी कर रहे हैं। गाइस वाकई में काफी ज्यादा फास्ट काम कर रहे हैं यार ये वाले मिनियन। एंड गाइस देखो यार, ये थोड़ा से स्लो काम कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पर और थोड़ा स्लो स्पॉन हो रही है। जैसे हमारे पास आयरन और गोल्ड थोड़ा ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, इनको भी हम अपग्रेड कर देंगे। नाउ गाइस अभी चेक करते हैं दोबारा से अपने पोटैटो फार्म को। मेरे हिसाब से गाइस यार उसकी इन्वेंटरी वापस से फुल हो चुकी होगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। नाउ अभी चेक करते हैं यार। गाइस जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ है, यहाँ पर हमारी इन्वेंटरी फुल हो चुकी है। सो यार करते हैं इनको फटाफट से स्मेल्ट। नाउ गाइस अभी करते हैं इनको सेल। गाइस यार इन मिनियन को लगाने के बाद अपने को कभी भी किसी भी ओर की प्रॉब्लम नहीं आने वाली, मतलब गाइस यार अपने को यहाँ पर अनलिमिटेड ओर्स वगैरह मिलने वाली है। एंड गाइस यार अभी हम सभी मिनियंस के अंदर लगाने वाले हैं कंपैक्टर वगैरह को यहाँ से बना बना के। नाउ गाइस यार अभी बनाते हैं एक आइटम फ्रेम एंड उसको वहाँ पर लगा देंगे चेस्ट के ऊपर, तो अपने को पता चल जाएगा कि कौन सी चेस्ट में क्या सामान रखा हुआ है। इसके लिए गाइस यार मेरे को कुछ लेदर्स की जरूरत पड़ने वाली है, उनको बुई करते हैं फटाफट से शॉप मिनियंस से। यहाँ से जाना है अपने को मॉब ड्रॉप्स में, देन यहाँ से मेरे को लेना है लेदर। तो यहाँ पर गाइस यार देखो मैं 4 लेदर को लेने वाला हूँ बिकॉज मेरे को 4 आइटम फ्रेम चाहिए। नाउ गाइस ये बन गए अपने 4 आइटम फ्रेम्स, तो इनको निकालते फटाफट से यहाँ से। नाउ अब इनको लगाते फटाफट से अपने चेस्ट के ऊपर। गाइस एक यहाँ पे लगाते हैं, देने की साइड में लगा देते हैं यहाँ पे, देने की यहाँ पे, और एक यहाँ पे। गाइस ये अपने डायमंड चेस्ट, तो यहाँ पर डायमंड लगा देते हैं। देन यहाँ पर है अपने आयरन वाली, तो आयरन लगाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आएगा अपना एमरल्ड, देन यहाँ पे आएगा अपना गोल्ड। सो आई होप गाइस तुमको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड गाइस रही साउट आउट की बात, तो यार गाइस तुमको बता दूं मेरे पास काफी सारे कमेंट आते हैं साउट आउट को लेकर। सो गाइस यार मैं किसी एक बंदे को साउट आउट नहीं दे सकता हूँ, बट गाइस यार तुम्हारे कुछ ज्यादा कमेंट आ रहे थे, मैंने इसका एक सोल्यूशन निकाला है। साउट आउट के लिए गाइस यार तुमको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, तुमको करना कुछ भी नहीं, बस यार मेरे को कमेंट करना है, कुछ आइडियाज वगैरह सजेस्ट करने मेरे को अपने वीडियोस के लिए। एंड गाइस जिसका भी आइडिया मेरे को अच्छा लगेगा मैं उसके आइडिया को अपने वीडियोस में ले लूंगा, एंड उसके साथ गाइस उसको एक साउट आउट भी मिल जाएगा। सो इसी के साथ गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।